अगली खबर में बात करते हैं बेरोजगारी को लेकर। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में एनएसयूआई ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। इस दौरान युवा छात्र नेता मानवेंद्र सिंह गहरवार के नेतृत्व में कॉलेज चौराहे पर एकत्र होकर छात्रों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। छात्रों ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश की आबादी 20% बढ़ी है, लेकिन वही सरकारी नौकरियां एवं रोजगार के अवसर मात्र 3-4% घटे हैं। शिवराज सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो योजनाएं निकलती हैं, भर्ती निकलती हैं, उनमें आए दिन घोटाले हो रहे हैं। गुड़ क्षेत्र में स्थित सोलर पावर प्लांट में बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, स्थानीय लोगों को कोई रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। प्रतिदिन 2-3 युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। क्या शिवराज सरकार जिम्मेदारी लेगी? छात्रों ने कहा कि अगर शिवराज सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देती तो आगामी चुनाव में इसका नतीजा युवा वर्ग उनके सामने रखेंगे, क्योंकि किसी भी चुनाव के निर्णय में युवाओं की अहम भूमिका रहती है। आइए आपको सुनाते हैं एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने क्या कहा है। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नीचे रहना थोड़ा। शिवराज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज हमने शिवराज सरकार का पुतला दहन किया है, जिसका उद्देश्य है बेरोजगारी। जैसा कि हम जानते हैं कि हर नेता यही कहता है कि युवा हमारे समाज का, युवा की अहम भूमिका होती है किसी भी देश के लिए, तो युवाओं के लिए रोजगार की बात क्यों कोई नहीं करता? मैं आंकड़े के अनुसार आपको बताना चाहूंगा, पिछले 20 वर्षों में 20% आबादी बढ़ी हमारे मध्य प्रदेश की। उस 20% आबादी के अनुपात में अगर हम रोजगार की, सरकारी नौकरी की अनुपात देखें, तो 2% से 3% रोजगार घटा है। मैं पूछना चाहता हूं, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या युवाओं का इतनी ही भूमिका रही है कि जितनी उनकी एक सेमेस्टर की फीस होती है 5,000 से 10,000 रुपए, उतने का प्लेसमेंट उनको कॉलेज में दिया जाता है? जब आप कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, तो अगर एक युवा पढ़ाई करके, ग्रेजुएशन करके 10,000 की प्लेसमेंट या 10,000 की रोजगार में जाएगा या 10,000 की नौकरी प्राप्त करेगा, तो उसका आगे का लाइफ या उसका लाइफ स्टाइल कैसा होगा? वो 10,000 में अपना पेट चलाएगा या फिर हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए छोटा मोटा योगदान दे पाएगा? मैं बताना चाहूंगा शिवराज सरकार को, यदि इसी प्रकार की हालत बनी रही तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में जिस प्रकार युवाओं की अहम भूमिका होती है निर्णय में चुनाव के, कहीं ना कहीं उसका भुगतान शिवराज जी को करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मैं मानवेंद्र सिंह गहरवार, एनएसयूआई छात्र युवा नेता, हिंदू छात्रवाणी संभागीय अध्यक्ष, साथ में युवा संगठन का भी संभागीय अध्यक्ष हूँ।